पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को चंडीगढ़ के पास मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। सांस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें 9 दिन पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वो 95 वर्ष के थे। आइए जानते हैं सियासत के इस दिग्गज का पूरा राजनीतिक सफर कैसा रहा। प्रकाश सिंह बादल जीवन या राजनीति के क्षेत्र में आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। पिछले साल ही शिरोमणि अकाली दल यानी शियद ने विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब के मुक्तसर जिले में लंबी सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया था। प्रकाश सिंह बादल वो चुनाव हार गए, लेकिन देश में चुनाव लड़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति होने के नाते रिकॉर्ड बुक में उनका नाम भी दर्ज हुआ। बठिंडा जिले के बादल गाँव के सरपंच बनने के साथ शुरू हुए लंबे राजनीतिक करियर में ये उनकी 14वीं चुनावी लड़ाई थी। बादल एक अलग पंजाबी भाषी राज्य के लिए चलाए गए आंदोलन का हिस्सा भी रहे। पंजाब की राजनीति के दिग्गज नेता बादल पहली बार 1970 में राज्य के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने एक गठबंधन सरकार का उस वक्त नेतृत्व किया जिसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इसके बाद वो 1977 में, 97, 2007, 2012 में भी राज्य के मुख्यमंत्री बने। बादल 11 बार विधायक रहे, केवल 2 बार राज्य विधानसभा का चुनाव वो हारे, बाकी हर बार जीते। वर्ष 1977 में वो केंद्र में कृषि मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की सरकार में थोड़े समय के लिए शामिल हुए। अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी दौर में 2008 में बादल ने अकाली दल की बागडोर बेटे सुखबीर सिंह बादल को सौंप दी, जो उनके अधीन पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे। प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को पंजाब के बठिंडा के अबुल खुराना गाँव में हुआ था। बादल ने लाहौर के फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक किया। उन्होंने 1957 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मलोट से पंजाब विधानसभा में प्रवेश किया। 1969 में उन्होंने अकाली दल के टिकट पर गिद्दड़बाहा विधानसभा सीट से जीत हासिल की। जब पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुरनाम सिंह ने 1970 में दल बदल करके कांग्रेस का दामन थामा था, तब अकाली दल फिर से संगठित हो गया तथा इसके बाद इसने जनसंघ के समर्थन से राज्य में सरकार बनाई। वो तब देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। ये बात दीगर है कि ये गठबंधन सरकार 1 वर्ष से थोड़ा अधिक चली। वर्ष 2017 में बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल समाप्त किया तो वो इस पर रहने वाले सबसे अधिक उम्र के नेता बने। प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल को निधन हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़ के गए हैं, जिस विरासत को सिर्फ पंजाब के संदर्भ में ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम राज्यों के संदर्भ में, तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज के संदर्भ में हमेशा याद किया जाएगा। शिरोमणि अकाली दल, जो प्रकाश सिंह बादल की पार्टी थी, उसका भी पंजाब की राजनीति में एक अलग स्थान है और इन तमाम बातों के नाते प्रकाश सिंह बादल को हमेशा राजनीति में, खासकर पंजाब की राजनीति में याद किया जाएगा। एनवीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।